हाय एवरीवन, आप सभी लोग को पता है जनरल अवेयरनेस का सेक्शन जो होता है मेंस के एग्जामिनेशन में कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगले 3 महीने में आपके 3 पेपर शेड्यूल्ड हैं। एक आपका आईपीएस पीओ होगा, फिर आपका एसबीआई क्लर्क होगा, फिर आपका एसबीआई पीओ होगा, और इन तीनों के मेंस एग्जामिनेशन में आपकी जीएस आती है और अच्छा खासा वेटेज का आता है। इवन इस बार तो क्या हुआ है कि जो आपका एसबीआई पीओ का पेपर है, एसबीआई पीओ में हर बार 40 मार्क्स की जीके आती थी आउट ऑफ 200, तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो 20% का वेटेज था, लेकिन इस बार जो है इसको मार्क्स को बढ़ा के 60 मार्क्स कर दिया गया, मतलब आपका 30% वेटेज हो गया है। तो आप कुछ ऐसा सोचो कि यार कोई पेपर में सिर्फ 30% वेटेज कोई एक सेक्शन रखता है तो वो सेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता होगा। ठीक है, तो जनरल अवेयरनेस वैसे ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वी कैन नॉट स्किप दैट। ठीक, तो इसीलिए हमको क्या करना होगा कि अभी अगले 4 महीनों तक कैसे हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी जनरल अवेयरनेस के लिए, वो बात करेंगे आज की वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में मैं आपसे थोड़ा सा 3 से 4 टॉपिक डिस्कस करूंगा। सबसे पहले कि बेसिकली अभी देखो कितने मंथ का जीके करना है। अभी आपका जस्ट आरआरबी क्लर्क का पेपर हुआ है, मैंने उसको एनालाइज किया, उसके हिसाब से हमने निकाला कि कितने मंथ का जीके इंपॉर्टेंट है। फिर आपके सोर्सेज क्या क्या होंगे। बहुत बार क्या होता है कि कई बार मैं आप लोग का फेयर स्टॉट बताता हूँ, लेकिन उसके बाद भी आप लोग बहुत सारे सोर्स करते हैं, कोई स्टडी आईक्यू से करता है, कोई ऑली बोर्ड से करता है, तो सारे सोर्स किस तरह से कॉम्बिनेशन बैठा के करेंगे, एक उनकी बात करेंगे, नोट्स बनाना है कि नहीं उनकी बात करेंगे, और जो जनरल अवेयरनेस के 4 पिलर्स हैं भाई सबसे पहले किसको करना है वैसे करके उसको बात करेंगे। फिर आपका जनरल अवेयरनेस पूरी तरीके से जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा, और अगले 3 महीने तक आपको जीके की कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप चुपचाप बैठ कर पढ़ाई कर लेना। ठीक है, जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले हम 4 पिलर्स की बात करते हैं कि किन 4 पिलर्स पर पूरी आपकी जीके तैयार होनी है। उसके बाद जो आपके क्वेश्चंस हैं तीनों, कितने मंथ का नोट्स, ये सब लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी 4 पिलर्स की बात कर लेते हैं और आपको किस सीक्वेंस में उन सबको खत्म करना है, कैसे कैसे खत्म करना है वो बात करेंगे। सबसे पहले देखिए बात करते हैं पिलर नंबर 1 की। तो आपका पिलर नंबर 1 है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। पूरा जो पेपर होता है ना जीए का, उसमें लगभग 30 से 40% क्वेश्चन तो इटसेल्फ इसी से आते हैं। कई बार वो ज़्यादा भी हो जाते हैं, कई बार कम भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली आप देखोगे इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके रहेंगे। तो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस को अपन छोड़ नहीं सकते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है, जो आपके आरबीआई न्यूज़ होता है, जो आपके लोन्स और एग्रीमेंट्स कोई बैंक करता है, ठीक है, जो आपके फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन होते हैं, जो इकोनॉमिक न्यूज़ होती है, वो सारी इसमें आ जाती हैं आपकी। दूसरा पिलर जो आता है वो आपका आता है इंडियन अफेयर्स या फिर करंट अफेयर्स कह सकते हैं। इसमें आपके जितने नेशनल न्यूज़ जो भी कहीं हुई होती है, कोई कहीं स्टेट में स्कीम लॉन्च हुई, कोई गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो पिलर होता है वो होता है करंट स्टैटिक जीके वाला। उसमें होता क्या है कि जैसे आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स जो हो गई सारी वो आती हैं, जो आपके इंडेक्सेस होते हैं वो सारे हो गए, जो आपके ADB, वर्ल्ड बैंक, नेशनल डेवलपमेंट बैंक ये जो सारे फंड देते हैं ये सारा इसमें आ गया, जो आपके ग्रां प्री होते हैं वो सारा हो गया, जो आपके वेन्यूज होते हैं कोई इंपॉर्टेंट इवेंट जैसे ओलंपिक हुआ, अभी डायमंड लीग हुआ, ये आ गया, फिर आपके जो अपॉइंटमेंट्स रिसेंटली हुए होते हैं 4-5 महीनों में वो आ गया। अपॉइंटमेंट वाला सेक्शन तो इतना इंपॉर्टेंट है, आपने अगर अरबी क्लर्क का पेपर एनालाइज किया होगा तो अरबी क्लर्क में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ अपॉइंटमेंट से ही आए थे। ठीक है, तो ये सारा सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका हो गया 3rd पिलर। तो मैं उसी ऑर्डर में बता रहा हूँ जिस ऑर्डर में ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, और लास्ट में जो आता है, जो हमको लीस्ट इंपॉर्टेंट, जो हमको एकदम लास्ट में करना होगा, वो होगा आपका जैसे जो थोड़ा बहुत डिफेंस की न्यूज़ होती हैं, जो स्पोर्ट्स की न्यूज़ होती हैं, जो आपकी स्टेट की न्यूज़ होती हैं, जो मिसलेनियस पार्ट और इसके अलावा इन सब के अलावा जो बच गया वो सारा 4th पार्ट में चला जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा कि इन 4 पार्ट को अपन करेंगे कैसे। 5वां जो आपके क्वेश्चन बनते हैं वो स्टैटिक बैंकिंग के बनते हैं। जैसे मान लो कि आपका वो नोट का कलर, वो टैग लाइन, हेडक्वार्टर, बैंक का नेशनलाइजेशन, तो देखो इनको मैं बोलूंगा यार ये अब सब बैंकिंग में उतने ज़्यादा आते नहीं हैं। आप देखो ध्यान से देखोगे बहुत ही कम इनके क्वेश्चन आते हैं, तो अपन क्या करना है इन पर ज़्यादा एफर्ट नहीं डालना, बहुत ज़्यादा घुस घुस के डीप में नहीं ढूंढना। ठीक है, मैंने छोटा सा नोट्स बनाया था 5-10 पेज का लगभग होगा ये वाला, तो ये मैं आपको दे दूंगा PDF बना के, छोटा उसे रख लेना, क्योंकि जो चीज़ की इंपॉर्टेंस कम है, जो शायद आए भी ना, उस पर अपना टाइम क्यों वेस्ट करें। तो स्टैटिक बैंकिंग वाला पोर्शन आप चाहो तो छोड़ सकते हो, अगर करना चाहते हो तो मैं तो ये छोटा मोटा नोट बना हुआ है, ये टाइप्स ऑफ चेक ये सब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये सब आप यहाँ से कर लेना। तो ये हो गया, अब जो स्टार्टिंग के 4 फैक्टर्स हैं उनको कैसे करना है। देखिए जो आपकी तैयारी होती ना, जो पूरी जनरल अवेयरनेस तैयारी होती है, ध्यान सुनिएगा जो मैं बोल रहा हूँ, 2 तरीके से होती है, या तो वो 1 लाइनर तैयारी होगी या तो वो कॉम्प्रिहेंसिव वे में होगी। 1 लाइनर क्या है भैया, समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो SBI क्लर्क का मैं लास्ट ईयर का पेपर देख रहा था, लास्ट ईयर एक पेपर क्वेश्चन आपका आया था ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया क्या रैंक है, आप सभी को पता है वो क्वेश्चन आया था, सिंपल सा जो रैंक आपने पढ़ी होगी वो लगा देते। उसके पहले वाले पेपर में SBI PO में पता क्या क्वेश्चन आया, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इसमें से कौन सा कंट्री है जो कि इंडिया के नीचे है। अब सोचो ये आपको क्वेश्चन का आंसर कब पता होगा, जब आपको तभी पता होगा जब आपने रिपोर्ट को ध्यान से देखा होगा या फिर कोई डिटेल जगह में अच्छे से पढ़ा होगा कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं आसपास जो कि इंडिया से ऊपर हैं या नीचे हैं। तो जब मैंने पढ़ा था तो मुझे याद था कि यार वो कंट्रीज़ जो इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो सारे क्या हैं, अच्छा परफॉर्म किए हैं उस रिपोर्ट में इंडिया से।
तो उसमें एक ऑप्शन था जो कि इंडिया के नेबरिंग कंट्री नहीं था, नाइजीरिया था, तो मैंने उसको टिक कर दिया। तो ये सब चीज़ें होती हैं कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी कि आप सिर्फ एक लाइनें नहीं याद करते हो। अगर आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट पढ़ रहे हो तो आपको उसमें पता होना चाहिए कि इंडिया की क्या रैंक है, टॉप पे कौन है, लास्ट में कौन है, उस रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज क्या पोजीशन है। तो ये होती है डिटेल और कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी। अगर मैं क्लरिकल मेंस की पेपर की बात करूं तो SBI क्लर्क हो गया, अरबी क्लर्क हो गया, तो वहां पे आपको ये वन लाइनें देखने क्वेश्चन मिल जाएंगे और ये वन लाइनें तैयारी आप इजीली कर सकते हो। लेकिन जब भी आप PO मेंस की पेपर की बात करोगे, जैसे इसकी बात करूं SBI PO मेंस की, IPS PO मेंस की, ऐसा नहीं कि SBI PO मेंस में, IPS PO मेंस में वन लाइनें नहीं आते, उसमें भी आते हैं, लेकिन उसमें डिटेल में भी क्वेश्चन आने की आशंका रहती है, चांसेस आर वेरी मच देयर। और वैसे भी इस बार 60 नंबर का कर दिया तो हमको नहीं पता क्या आएगा। आपको पता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आने लगे हैं, तो होता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाएं, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपन क्या करना होता है कि हम क्या तैयार करते हैं, वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं एक एक पिलर को उठा के कैसे कैसे करेंगे। देखिए, आप जब भी कोई PDF पढ़ोगे, चाहे वीकली PDF का है, चाहे कोई मंथली मैगजीन पढ़ोगे, चाहे कुछ भी पढ़ोगे, तो वहाँ पे इस तरह से न्यूज़ का सेग्रीगेशन रहता है जैसे मैंने बता रखा है। अभी ध्यान सुनो, जब आप पिलर वन कर रहे होगे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो कोई भी आप PDF उठाओगे, मैगजीन उठाओगे, तो उसमें जो बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला सेक्शन, सबसे पहले उसको खत्म कर लेना। उसमें जितने RBI क्वेश्चन हैं, फाइनेंस वाले क्वेश्चन हैं, इकोनॉमी बैंकिंग न्यूज़ है, ये सबको कर लेना, और इन सबको एटलीस्ट 2-3 बार याद कर लेना, ठीक है। फिर जो आता है आपका नेशनल अफेयर्स, ये अच्छे से याद कर लेना। गवर्नमेंट स्कीम को अच्छे से देख लेना, जब भी आप कोई गवर्नमेंट स्कीम पढ़ो तो उसके बारे में, उससे रिलेटेड हिस्ट्री में कोई अगर स्कीम रही हो तो उससे, अगर उस स्कीम को नया बनाया गया, किसी स्कीम को हटा के, तो वो आपको पता होना चाहिए रेफरेंस। तो स्कीम को पढ़ो, अच्छे से स्कीम को पढ़ो, किस डेट को लॉन्च हुआ, अगर PM जाके कहीं पे लॉन्च किए उस स्कीम को, तो वो जगह आपको पता होनी चाहिए रिसेंटली। तो इसमें दिमाग पे ये आएगा कि भैया कितने मंथ का ही करेंगे, ये स्कीम कब तक का करेंगे, तो इसी पे मैं मंथ वाली बात डिस्कस कर लेता हूँ। जो आपका अरबी क्लर्क का पेपर हुआ था, आप उसमें ध्यान से देखना, तो आपका सितंबर में पेपर हुआ है और काफ़ी क्वेश्चन जो हैं उसमें आपके मई से आए थे, ठीक है। अब हम एक पेपर से डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन आप ध्यान से देखो, मैंने हमेशा एक बात को बोला है कि जो मैक्सिमम पेपर आपका होता है वो लास्ट के 3-4 मंथ से ही आता है, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि 6 मंथ का हम कर लें। क्यों? क्योंकि 6 मंथ तक के भी क्वेश्चन आते हैं, कई कई बार जो क्या होता है 1 साल के पुराने के भी आ सकते हैं, लेकिन वो 1-2 क्वेश्चन आएंगे। लेकिन जो मोस्टली आपके करंट अफेयर्स आपको पेपर में देखने को मिलेगी वो 6 महीने की होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि 4 महीने का डिटेल में अच्छे से एकदम कर लेंगे और लास्ट के 2 महीने का लास्ट में करेंगे, उसको थोड़ा सा हम कैजुअली कर सकते हैं, लेकिन उसको भी करना है। लेकिन 4 महीने का, पिछले 4 महीने जब भी आपका पेपर है उससे 4 महीने का आपका डिटेल में तैयार होना चाहिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उस गवर्नमेंट स्कीम कर लिया, फिर जैसे ये ADB और ये वर्ल्ड बैंक और ये इंडेक्स, ये आपका NDB वाले फंड्स होते हैं, मैंने इनको करने का तरीका एक अपनी वीडियो में बताया था कि इनको करना क्या होता है कि आपने एक टेबल बना लिया, ठीक है, लिख लिया आपने कि किसने दिया है, किसने दिया है पैसा, ADB, वर्ल्ड बैंक, NDB, किस स्टेट को दिया है, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, इतना कितना अमाउंट दिया है, उतना वो लिख लिया, और किस लिए दिया है। हमको ये भी याद रखना होगा किस लिए दिया है, कि अगर उत्तर प्रदेश को दिया है तो क्या इरिगेशन के लिए दिया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया है, किसके लिए दिया है, पता होना। साथ ही साथ ये सब छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होंगी, ADB, वर्ल्ड बैंक, NDB, इन सबका हेडक्वार्टर याद रखेंगे, इन सबका हेड याद रखेंगे, कौन समय इनका हेड है, ठीक है, कौन प्रेसिडेंट है, कौन वो है, ठीक है, ये कर लिया। तो इस तरीके से हम फंड वाला कर लेंगे। फिर रही बात अपॉइंटमेंट वाला, अपॉइंटमेंट वाले में क्या करेंगे आप, अपॉइंटमेंट वाले में जो भी रिसेंट के 5-6 महीने के अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनको अच्छे से देख लीजिएगा, क्या पता 4-5 क्वेश्चन उसी से आपके आ जाएं, ठीक है। तो जो भी चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट या फिर किसी मेजर बॉडी के, सेल के, गेल के, किसी PSU के हेड का अपॉइंटमेंट, जितने अपॉइंटमेंट उनको ध्यान रख लीजिएगा। तो ये सारा सबसे पहले ना आप, तो जब भी आप कोई PDF उठाओगे तो याद रखना इसी ऑर्डर में सबसे पहले करना। आप चाहो तो मेरा वाला वीडियो देख लेना कि मंथली PDF को पढ़ते कैसे हैं, मैंने उसमें इस ऑर्डर में बताया है कि आपको इस ऑर्डर में करना होता है। इससे होता भी ये है कि जब आपको ज़्यादा कंटेंट होता है वो आपको कभी पढ़ना होता है। जैसे मान लो जब आप इंडेक्स कर रहे हो तो इंडेक्स जब भी आप बना रहे हो, जैसे मान लो कि कौन सी, पहली बात तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने वो रिपोर्ट पब्लिश की, उसमें इंडिया के क्या रैंक है, इंडेक्स का मैंने बताया दिया, टॉप पे कौन है, लास्ट में कौन है, वो जो बॉडी है वो बॉडी कहाँ पे इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अगर मान लो उसने कोई रिपोर्ट निकाली तो वो रिपोर्ट को पब्लिश कौन करता है, वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जब भी आप कोई इंडेक्स कर रहे हो। और मैंने अरबी क्लर्क जब आपका पेपर एनालाइज किया तो उसमें मैंने ये भी देखा कि आपके अपॉइंटमेंट के 4-5 क्वेश्चन थे, लेकिन साथ में आपके स्कीम के भी 3-4 क्वेश्चन आए थे, गर्ल चाइल्ड पे, समृद्धि पे, PMAG की स्कीम आई थी, इंदिरा गांधी वाली आई थी। तो इस तरीके से आपको जो स्कीम है, स्कीम को बहुत ध्यान से करिएगा, स्कीम अच्छे से आती है। डेज एंड वीक वाला आपका आया था कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक कौन सा कब ऑब्जर्व किया जाता है,
तो जितने डेज आप पढ़ रहे हैं, वीक पढ़ रहे हैं, उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब आप में से कई लोग का दिमाग में डाउट ये आता है कि भैया कभी कभी कुछ फालतू क्वेश्चन आ जाते हैं, उनको कैसे डील करें। जैसे लास्ट ईयर आपको याद होगा कि एक पेपर ऐसा आ गया था कि जैवलिन के शायद नीरज चोपड़ा के जैवलिन के थ्रो जैवलिन के शायद वेट पूछ लिया था। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी आप पेपर कोई देने जाओगे ना तो एक दो क्वेश्चन हमेशा आपको ऐसे वियर्ड से मिल जाएंगे, और वो ऐसा नहीं कि आपसे नहीं होंगे, वो किसी से नहीं होंगे। तो उस एक दो क्वेश्चन के लिए हमको बहुत सारी फालतू चीज़ नहीं पढ़नी, अपने दिमाग में कूड़ा नहीं इकट्ठा करना, ठीक है। वो एक दो क्वेश्चन आएंगे, हाँ जिन चीज़ों से मैक्सिमम चीज़ें आती हैं जो सब करके आ रहे होते हैं वो आपको आना चाहिए। बात करते हैं सोर्सेज की, जैसे सोर्सेज की हम बता रहे थे, तो देखिए मैं आपको कैसे बताता हूँ, देखिए सोर्सेज कैसे करना होता है। आप लोगों को पता है मैं हमेशा आप लोग क्या बोलता हूँ, कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल स्टडी के लिए आप मंथली पीडीएफ पढ़ लो। और मैंने कई बार बोला है मंथली पीडीएफ जरूरी नहीं है अफेयर्स क्लाउड की, जो भी आपको मंथली पीडीएफ मिले, जीके टुडे की आती है, अफेयर्स क्लाउड की आती है, इवन ओली बोर्ड की भी मंथली आती है, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव और सही तरीके से आपको लगे वो आप पढ़ लो। मैंने हमेशा रिकमेंड किया क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, और मेरे सारे दोस्त जो नाबार्ड आरबीआई निकाले भी हैं तो वो सब ने भी इसके लिए अफेयर्स क्लाउड का पढ़ा था। तो उसमें क्या है, डिटेल में सब कुछ अच्छे से दिया होता है, तो उसको इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ, वो बेस्ट सोर्स है। लेकिन कई बार आप लोग से हो नहीं पाता, तो मैं आप लोग को बोलता हूँ उसके लिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो आप स्मार्ट वे में करने की कोशिश करो, मान लो अगर आपसे नहीं भी हो पा रहा है तो उसके लिए एक तरीका और है कि आप जो भी और कर रहे हो, मान लो बोर्ड एक आती है ओली बोर्ड की, आप वो कर सकते हो, ठीक है। इसी की अफेयर्स क्लाउड की एक पॉकेट पीडीएफ करके आती है, 100 पेज के आसपास होती है शायद, वो कर सकते हो, वो भी कर सकते हो, अच्छी है, ठीक है। फिर अब करने का रूटीन क्या होगा कि अगले भैया 4 महीने में तैयारी कैसे करूँगा। देखिए अगले 4 महीने आपका तैयारी करने का रूटीन कैसा होगा, आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ो। अब डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए दो तीन तरीके हैं, एक तो आप अफेयर्स क्लाउड की वेबसाइट पर जाओ, डेली करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं, ठीक है, उनको डेली आप लगभग 15-20 करंट अफेयर्स होते हैं, इमेज के साथ होते हैं, अच्छे से होते हैं, इंटरेक्टिव नेचर के होंगे, उनको उठाओ पूरा पढ़ लिया आपने। अब दो तरीके के लोग होते हैं, एक चाहो तो आप नोट्स बना लो, जो लोग नोट्स बनाना अच्छा उनको लगता है, तो आपने क्या किया 20-25 पॉइंट्स में जो कि आपको स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लगे, जो कि आपको लगता है हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है, वो हमको समझ में आ जाता है, तो उसमें क्या है हमने नोट्स बना लिया, ऐसे कर करके हम डेली पढ़ रहे हैं, 6 दिन हमने पूरा पढ़ाई की, संडे को नहीं आता उसमें करंट अफेयर्स, ठीक है, संडे को क्या किया उठाया 6 दिन का रिवाइज कर लिया, ऐसे नेक्स्ट वीक किया, ऐसे करके वीक खत्म हो गया, महीने के अंत में पूरे मंथ का हर दिन का नोट्स रिवाइज कर लिया। एक तरीका तो ये होता है करंट अफेयर्स करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि जैसे मैंने बताया, जैसे मैं करता था कि मैंने क्या किया डेली पढ़ लिया जस्ट टू गेट इनटू द, मेरे माइंड में सबकॉन्शियस माइंड में वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। फिर क्या करेंगे, जैसे ही उस मंथ की पीडीएफ आएगी, मंथली पीडीएफ आएगी, मैं मंथली पीडीएफ उठाऊंगा और रोज़ 20-25 न्यूज़ उसमें जो है कवर करता रहूँ, मतलब रोज़ उसके 15-20 पेज कवर करता रहूँगा। अब 300 पेज की पीडीएफ है तो मैं अगर स्मार्टली वे में पढ़ूंगा पहली बात, तो दूसरी बात चूंकि मैंने वो न्यूज़ को पहले से पढ़ रखा होता है, तो जब मैं न्यूज़ देखता हूँ तो मुझे जल्दी याद होता है, सिर्फ मुझे हाईलाइट करना होता है कि और क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो उस तरीके से मैंने क्या किया 15-20 दिन लेके पूरी मंथली पीडीएफ ख़त्म कर ली, ठीक है, और उसी मैंने हाईलाइट कर लिया, मैंने अलग से नोट्स नहीं बनाया, ठीक है, और उसी को मैं एक बार रिवाइज़ कर लूँगा, उसी को मैं 2-3 बार रिवाइज़ कर लूँगा। एक तो ये हो गया पीडीएफ वाला, समझ में आ गया आपको, तो आपको जैसे सही लगे नोट्स बनाना नोट बना सकते हो आप, और चाहो तो पीडीएफ से कर सकते हो, ठीक है। अच्छा आप लोग बोले हो भैया क्या करंट क्लाउड अफेयर्स की वेबसाइट पे, नहीं आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगा, अड्डा की वेबसाइट पे आप जाओ तो वहाँ पे भी डेली न्यूज़ वाला सेक्शन में आता है, तो अड्डा की वेबसाइट पे भी आता है, ऐसे बहुत सारी वेबसाइट है, जीके टुडे पे आता है, आपको डेली वहाँ पे न्यूज़ मिल जाएगी। पीडीएफ का अब कैसे करना है और क्या करना है, भैया सिर्फ पीडीएफ से थोड़ी होगा, हाँ पीडीएफ से नहीं होगा, अभी आपको 2 काम और करने हैं, एक आपको एक वीडियो सोर्स फॉलो करना है, एक आपको क्विज लगाना है। अब क्विज जैसे मान लो आप अड्डा की ऐप से चाहे तो वहाँ से क्विज लगा सकते हो, वरना अफेयर्स और किन की ऐप से आता है, इनकी ऐप में भी क्विज रहता है, वीकली क्विज आते हैं, तो वहाँ से आपने क्या किया जो पूरा आपने हफ्ते करंट अफेयर्स पढ़ा था वो आपने वीकली क्विज लगा के चेक कर लिया, ठीक है, या फिर अड्डा क्विज से चेक कर लिया। फिर आप क्या करोगे, रात में सोने से पहले मैंने कई बार बोला है वीडियोस देख लो, अब वो वीडियोस किसी की भी होते हैं, कंपाइलेशन वीडियोस देखो, वो आपका टाइम बचाते हैं, जो वीकली वीडियोस आते हैं या फिर मंथली वीडियोस कंपाइलेशन आते हैं आप कैसे भी देख सकते हो। कई लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सर स्टडी आईक्यू का वीडियो आता है वो 300 वाला करके आता है, तो पहले वो यूट्यूब पे आता था बट वो पेड हो गया है, तो अगर आप लोग के पास वो कोर्स है तो आप ले सकते हो, बट मैंने उसको ऑनेस्टली फॉलो नहीं किया है तो आई डोंट हैव एनी आइडिया। आप लोग को ये बोलता हूँ यार कि एक पीडीएफ सोर्स रखो, एक वीडियो सोर्स रखो और क्विजेस से प्रैक्टिस करते रहो, यही 3 चीज़ करनी होती है सोर्सेस में। तो फाइनली मैं इस चीज़ को ऐसे बताऊंगा, कंक्लूड करूंगा कि जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हैं, आप जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं लाइक ADB और WDB वाला फंड वाला हो गया, इंडेक्स वाला हो गया, ये स्टैटिक बैंक वाला हो गया, जैसे मान लो स्कीम्स हो गई, इनके आप नोट्स बना लो, बाकी जो खबरें होती हैं उनका आप हाईलाइट कर लो, उससे रिवाइज कर लेना अपने PC में लैपटॉप में जहाँ भी वो करते हो हाईलाइट। कई लोग पूछते हैं भैया हाईलाइट कैसे करते हैं, तो आप एडोब रीडर में जब भी कोई PDF खोलते हो उसमें राइट क्लिक करने पर हाईलाइट करने का ऑप्शन आता है, आप वहाँ से हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। जिस भी PDF को आप पढ़ रहे हो या फिर हाईलाइट कर रहे हो, एटलीस्ट मेक श्योर कि आप उसको 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो, और जैसे आप मान लो कोई नोट्स बना रहे हो तो उस नोट्स को भी आप 3 बार एटलीस्ट रिवाइज कर लो। देखो मैं रिवाइज कैसे करता था, नेशनल न्यूज़ मैंने सारी लिख ली यहाँ पे, दिख रहा है
सारे यहाँ पे देखो लिटरेरी अवार्ड्स लिख लिए मैंने लिटरेरी, उसमें क्या हुआ था लिटरेरी अवार्ड्स आए थे, तो लिटरेरी अवार्ड जितने भी आते हैं ज्ञानपीठ साहित्य अकेडमी सरस्वती सम्मान, ये सारा मैंने उठाया और यहाँ पर मैंने लिख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है कि आपको खुद से क्या करना होता है, रिविजन अच्छे से करना होता है। PDF आपको कोई एक चीज़ बनी बनाई हर जगह नहीं मिल जाएगी, आपको खुद से चीज़ों को बनाना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, जैसे लिटरेरी अवार्ड्स आए थे, अब वो इस समय शायद PDF में नहीं आए होंगे तब तक, तो मैंने क्या किया खुद से यहाँ पे इसको लिख लिया और इसे याद करके चला गया। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि तैयारी आप लोग करिए और हर चीज़ ढूंढ ढूंढ के निकालिए, आपको हर चीज़ मिल जाएगी नेट पे, सब कुछ फ्री में अवेलेबल है, हर जगह आपको चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वीडियो सोर्स हो चाहे PDF, सब कुछ आपको मिल जाएगा। पढ़ाई करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर अगले तीनों जो PO और क्लर्क के मेंस हैं उसके लिए, एंड कीप प्रिपेयरिंग एंड ऑल द बेस्ट। आई विश यू गेट अ जॉब दिस ईयर एंड दैट्स इट। बाय बाय एंड टेक केयर।